एहसास कफालत प्रोग्राम से इमदादी रकम लेने वालों को लूटने के लिए नौ सरबाज भी सरगर्म हो गए हैं। पनवाखिल में थाना बाईजी की हुदूद में खवातीन को पैसे दिलवाने का लालच देकर रिश्वत देने वाले चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान खवातीन से 300 से 500 रुपए लेकर उन्हें एहसास कफालत प्रोग्राम से 12,000 रुपए देने का झांसा देते रहे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली बताएगा इन मुलजिमान के बारे में। जी, पनवाखिल में एहसास कफालत प्रोग्राम की जाने से जो मुझसे खवातीन को रकम दी जा रही थी उसमें नौसरबाज भी जो है वो सरगर्म हो गए हैं। पनवाखिल में इसमें सरगर्म नौसरबाज ने खवातीन को पैसे दिलवाने का लालच देकर उनसे 300 रुपए से 500 रुपए बटोरने का सिलसिला जारी था, जिसके बाद खवातीन के एहतजाज पर सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का बताना था कि नौसरबाज गुज़श्ता रोज से खवातीन को लालच देकर पैसे बटोर रहे थे और मुलजिमान के खिलाफ सिटी थाने पर 420 और 406 के तहत दो मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इस वक्त जो मुलजिमान है वो सिटी थाने पर लाकर में। पुलिस का ये भी बताना था कि खवातीन के एहतजाज के बाद हमें ये इत्तला मिली, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की है और इस वक्त जो है वो पुलिस वहां पर एहसास कफालत सेंटर के बाहर ही मौजूद है। पुलिस का ये भी कहना है कि अगर मजीद जो नौसरबाज होंगे उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अली।